65 सालों का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। राम भक्तों के संघर्ष का फल अब जाकर मिला है और मंदिर में रामलला को पुनः स्थापित करने का समय अब आया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है क्योंकि फाइनली अयोध्या में राम मंदिर पूरी भव्यता के साथ बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और इसी के साथ मंदिर के पुनः उद्घाटन की शुभ घड़ी भी निकाली जा चुकी है। अयोध्या से एक ऐसी खुशखबरी इस वक्त सामने आई है जिसके बाद से पूरी की पूरी दुनिया 22 जनवरी का इंतजार कर रही है, क्योंकि 22 तारीख को ही मंदिर में पूरे गाने बाजे के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 तारीख को रामलला पुनः मंदिर में विराजेंगे और 22 तारीख से राम भक्तों को मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। और ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि 500 वर्ष बाद जाकर मंदिर उद्घाटन की तारीख 22 फरवरी को ही क्यों चुनी गई? 22 जनवरी के दिन ऐसा क्या है जो इसी तिथि में ही रामलला मंदिर की गर्भगृह में स्थापित होंगे? और 22 तारीख से जुड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या खास कनेक्शन है, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। तो इस समय देखें, मौलाना मदनी से लेकर विपक्षी पार्टियां तिलमिलाई हुई हैं, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता मिल चुका है। बकायदा इस शुभ कार्य में पीएम मोदी को मुख्य यजमान भी बनाया गया है और आवाज उठाई जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री को पूजा स्थल के उद्घाटन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों से ये पूछा जाना चाहिए आज कि क्या देश का प्रधानमंत्री देश का नागरिक नहीं है? क्या देश का प्रधानमंत्री देश की सनातन संस्कृति से जुड़ा नहीं होता? और क्या देश का प्रधानमंत्री देश को मंदिर समर्पित नहीं कर सकता? इसमें गलत क्या है, आज आप ये तय कीजिएगा। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आखिर राम मंदिर उद्घाटन के लिए रामनवमी की बजाय 22 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? कितनी शुभ है 22 जनवरी की तारीख? क्या है कूर्म जयंती का खास महत्व? पौष मास की द्वादशी तिथि क्या कहती है? और क्या है 22 जनवरी से पीएम मोदी का खास कनेक्शन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 22 जनवरी 2023 पौष मास की द्वादशी तिथि और इसी तिथि पर कूर्म जयंती भी पड़ रही है। भगवान विष्णु के 11वें अवतार कूर्म की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई और कूर्म अवतार को स्थिरता से जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए अपने कूर्म रूप में ही भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला, धरती के भार को अपने ऊपर लेकर स्थिरता बनाकर रखी और भविष्य में मंदिर के इर्द गिर्द स्थिरता हमेशा बनी रहे, इस कारण भी कूर्म जयंती को चुना गया। वहीं वास्तु शास्त्र अनुसार ही कहा जाता है कि भगवान कूर्म का आगमन घर और मंदिर दोनों के लिए अत्यंत शुभ कार्य हमेशा से माना गया है। और ऐसे में कूर्म जयंती से बेहतर दिन राम मंदिर के उद्घाटन के लिए भला कौन सा हो सकता है? ज्योतिष के जानकार अब ये भी बोल रहे हैं कि द्वादश तिथि का संबंध भगवान विष्णु से होता है। इस तिथि को यशोमला तिथि भी कहते हैं और इस दिन पूजा करने से यश और बल इन दोनों की प्राप्ति होती है। और ऐसे में इस दिन विष्णु अवतार श्री राम की पूजा से दुनिया में देश को सम्मान मिले और शक्तिशाली बने हमारा भारत, हर कोई यही कामना कर रहा है। तीसरी बात यह कि 22 तारीख शुक्ल पक्ष में पड़ रही है और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर चंद्रमा की ताकत शुभ कार्य हमेशा से मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमारे पूर्वज अमृत का पान करते थे और शायद इस दिन को इससे भी चुना गया है, क्योंकि देखिए रामलला के संघर्ष के लिए हमारे लाखों पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और ऐसे में इस दिन पूर्वज राम नाम के अमृत का पान कर राम के धाम भी जाएंगे। एक कारण देखिए ये भी है कि 22 जनवरी को सोमवार का दिन है और ये दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। दुनिया भली भांति जानती है कि रावण के संहार के लिए प्रभु राम ने शिव की उपासना की और अंत विजय प्राप्त हुई। और जिस जगह त्रेता युग में प्रभु राम ने शिवलिंग रूप में भगवान शिव को पूजा, आज वो जगह हमारे सामने रामेश्वरम धाम है। आप और हम ये जानते हैं कि पीएम मोदी भी कितने बड़े शिव भक्त हैं और ऐसे में सोमवार के दिन प्रभु राम गर्भगृह में विराजे, इससे उत्तम दिन भला क्या हो सकता है? तो 22 जनवरी की तारीख की एक खास बात ये भी है कि हिंदू पंचांग अनुसार 22 जनवरी को पौष महीना पड़ता है और इसे सूर्य का महीना माना गया है। और भगवान श्री राम तो देखे स्वयं सूर्यवंशी हैं। और अब आप ये जान ले कि किस नक्षत्र और मुहूर्त में रामलला मंदिर में विराजेंगे। आपको बता दूं कि ठीक 12:11 से लेकर 12:54 के बीच
भक्तों की मौजूदगी में रामलला को मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा और इस मुहूर्त को अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। इसी नक्षत्र में रामलला इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और इस नक्षत्र में किया गया हर कार्य सिद्धियों से पूर्ण करने वाला होता है। भविष्य में राम मंदिर को किसी भी तरह की चोट बिल्कुल ना पहुंचे, इस कारण भी अभिजीत मुहूर्त को खास कर चुना गया है। तो 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन, जिसकी तस्वीर में भव्य राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी समेत राम भक्तों की मौजूदगी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, गर्भगृह में कौन सी मूर्ति रामलला की स्थापित की जाएगी, ये फैसला अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है। 3 अलग अलग मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है और इसी तरह प्राण प्रतिष्ठा किन के निर्देशन में होगा और पीएम मोदी के अलावा यजमान और कौन कौन होंगे, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हुई। तो ऐसे में आप भी बोलिए जय श्री राम।